चलो, हमने लास्ट टाइम सीपी और सीवी के कुछ न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए थे, तो सीपी सीवी के बाद केटीजी एग्जांपल्स हमने 157 पेज पे जो थी 157 पेज ये हमने कर लिया था, है ना। इससे पहले वाली असाइनमेंट थी, ये पहला न्यूमेरिकल हमने किया था 157 का। हमने दूसरा न्यूमेरिकल नहीं किया था क्योंकि मैंने कहा था कि सीपी सीवी बाद में करेंगे, तब वो बात आ गई है और अब इससे स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर 2 मोल्स ऑफ हीलियम आर मिक्स्ड विद n मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मिक्सचर है, प्लीज ध्यान आगे। 2 मोल्स ऑफ हीलियम आर मिक्स्ड विद n मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड इफ सीपी बाय सीवी की रेशियो इज 3:2 फॉर मिक्सचर इट इज गिवन गामा। सीपी बाय सीवी क्या होता है? गामा। तो मिक्सचर का गामा आपको गिवन है, और जो हमने लास्ट टाइम शॉर्टकट किया था उसमें हम मिक्सचर का गामा निकालना सीखते थे कि कैसे निकलेगा, इसमें उल्टा हो गया। देन फाइंड n, तो आपको n मोल्स बताना है कितना है। अब मिक्सचर का अगर आपको गामा पता है जो कि 3/2 है, दैट इज सीपी बाय सीवी, तो गामा और डिग्री ऑफ फ्रीडम का रिलेशन हमें मालूम है, एफ इज इक्वल टू 1+2/गामा। ये किया था हमने लास्ट टाइम। अगर आप मिक्सचर का गामा यहां पर पुट करें 3/2, तो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम मिक्सचर की आ जाएगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक डायटॉमिक 3 और 5 है, पर मिक्सचर की अगर निकालनी है तो ये फॉर्मूला यूज करें, तो गामा मिक्सचर का पुट करें तो यहां से डिग्री ऑफ फ्रीडम मिक्सचर की 4 आ गई। एक फॉर्मूला जो हमने मिक्सचर ऑफ गैसेस का किया था उसमें था कि मिक्सचर का सीवी कैसे निकलेगा, n1 cv1 + n2 cv2 / n1 + n2। मिक्सचर का सीपी कैसे निकलेगा, n1 cp1 n2 cp2 / n1 + n2। एक और फॉर्मूला नोट करें, मिक्सचर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकलेगा, या तो यहीं पे पॉइंट टू रिमेंबर लिख दें सीधा, ये फॉर्मूला रह गया उसमें। मिक्सचर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकलेगा, सेम फॉर्मूला, n1 × f1 n2 × f2 / n1 + n2। क्लियर है यहां तक? तो ये फॉर्मूला यूज करते हुए मिक्सचर का डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने 4 निकाल लिया। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन में पहली गैस गिवन है वो कौन सी है, हीलियम है, 2 मोल्स है। हीलियम मोनोटॉमिक है कि डायटॉमिक है? मोनोटॉमिक नहीं है, मोनोटॉमिक है। तो कितने मोल्स हैं, 2, और डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक की 3। दूसरी गैस कौन सी है हीलियम के साथ, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कौन सी है, डायटॉमिक। तो 5 नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, n1 + n2 n1 2a, सॉल्व करके n2 आएगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम भी आई हुई है डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। तो मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकली इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता, डिग्री ऑफ फ्रीडम मिक्सचर का कैसे निकलेगा, इस टाइप की प्रॉब्लम एप्लीकेशन बेस्ड आती है। ठीक, तो समझ में आया, आइडिया पता लगा डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने कैसे किया इसे। ठीक, इसी के अंदर मेंस वालों ने एक और क्वेश्चन दिया, सीपी और सीवी भी क्वेश्चन बना दिया बहुत सही। उन्हें क्या दिया, सीपी एंड सीवी आर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो उसने, मैंने स्टार लगाया, उसने मोलर नहीं वर्ड यूज किया, इसका मतलब ये छोटा सीपी छोटा सीवी है। अगर मोलर यूज कर देता तो फिर बड़ा यूज कर लेते हम। तो वो कह रहे हैं कि इसमें ये नॉर्मल सीपी सीवी है और ये ऑब्जर्व किया गया कि छोटा सीपी माइनस सीवी ए है, छोटा सीपी माइनस सीवी बी है, एक हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के लिए। कोई मुझे बताएगा ये ए और बी कैसे हो सकता है जबकि हमने बड़ा सीपी माइनस सीवी आर, क्योंकि ना क्योंकि क्योंकि जो हमने फॉर्मूला याद किया हुआ है, बड़ा सीवी माइनस बड़ा सीवी मोलर का डिफरेंस कैपिटल आर होता है, हमने ये याद किया हुआ है कि अगर आप ये देखो लिखा हुआ, बड़ा सीपी माइनस बड़ा सीवी इज आर होता है, पर यहां पर तो सब कुछ छोटा सीपी स्पेसिफिक हीट है, तो स्पेसिफिक हीट मोलर नहीं है। तो इस केस में बताया था मैंने बड़े सी से छोटे सी में कैसे जाना है, m into cp m into cv = r। तो छोटा सीपी छोटा सीवी r/m। अब दोनों गैसेस का कैपिटल m तो डिफरेंट है, इसीलिए ये रेशियो एक में a गिवन है एक में b गिवन है। तो उन्होंने क्या बोला कि एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए सीबी माइनस सीवी इक्वल टू आर बाय 2, और जिसकी रेशियो उसने क्या दी हुई है, ए, आर बाय 2 की जगह उसने ए दे दी। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप आर बाय 2 खुद पुट करें इज इक्वल टू ए।
फिर वो कहते हैं कि ठीक है नाइट्रोजन है, सीबी माइनस सीबी इक्वल टू आर बाई 28, जो कि क्या गिवन है, बी। कह रहे ए और बी में रिलेशन निकाल लो, इन दोनों को डिवाइड कर लो, आर से आर कैंसिल, ए इज 14 टाइम्स बी। बिलीव मी लोगों से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुआ जिनको छोटे और बड़े सी के बीच में डिफरेंस नहीं पता था, और ऑप्शन भी था सीपी माइनस सी वी इक्वल टू आर, ए और बी में रिलेशन 1:1 भी गिवन था। बहुत लोगों ने 1:1 भी पुट किया जिनको ये नहीं मालूम था बड़ा सी और छोटे सी में, इसलिए मैंने लास्ट लेक्चर काफ़ी ज़्यादा पार्ट छोटे और बड़े सी में लगाया, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर इसके ऊपर ना टाइम लगाया जाए तो हम उसको थोड़ा गलत करने का काफ़ी चांस रहता है, क्योंकि हम सीधा केमिस्ट्री सी पी सी वी आर के चक्कर में गड़बड़ हो जाती है। तो बड़े और सी और छोटे सी में मतलब देखो मेंस वालों भी थोड़ा देखना चाहते हैं कि आपको कितना डिफरेंस मालूम है, तो आया हुआ रिसेंटली क्वेश्चन है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट जो है इसमें वो है एग्जाम्पल्स थर्मोडायनेमिक्स थ्योरी। आज हम थर्मोडायनेमिक्स की थ्योरी शुरू करेंगे, और मतलब कोर थर्मोडायनेमिक्स, जिसको जिसका नाम पूरे यूनिट का नाम थर्मोडायनेमिक्स बोला गया है, वो आज एक्चुअल में स्टार्ट होगा क्या है थर्मोडायनेमिक्स, और ये बहुत बढ़िया है। और जाते हुए एक ऑब्जेक्टिव शीट भी करेंगे, 51 नंबर शीट मैंने छुड़वाई हुई थी सीपीसीवी के चक्कर में, तो दो ऑब्जेक्टिव शीट्स ट्राई करेंगे आज हम अगर कवर कर पाए तो, डिपेंडिंग कि इसमें कितना मोमेंटम बनता है मुझे मालूम नहीं है। तो यहाँ से पहले स्टार्ट करते हैं। दो मिनट जरा कनेक्टिविटी ब्रेक हो गई, एक सेकंड देना।
ओके देखो हम ना फर्स्ट लॉ से स्टार्ट कर रहे हैं. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये मेरे ख्याल से आपको प्रिंट आउट मिला होगा, इसका मिला हुआ है, ध्यान आ गए, अभी वेट करेंगे. फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ये कहाँ से स्टार्ट है, जो नॉर्मली जो थर्मोडायनेमिक्स है उसके तीन लॉज हैं, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ. तो जीरोथ लॉ से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है इसको पढ़ते हैं. तो थर्मल इक्विलिब्रियम में टू सिस्टम आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर इफ दे आर एट सेम टेम्परेचर. तो अगर दो बॉडीज सेम टेम्परेचर पे हैं तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है. सेकेंड पॉइंट है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो ये बताता है कि अगर ये ए, ये बी और ये सी, ये मान लो एक डायथर्मिक वॉल है और ये एडियाबैटिक है. एडियाबैटिक का मतलब कोई हीट एक्सचेंज नहीं है, डायथर्मिक का मतलब हीट एक्सचेंज हो सकती है. तो अगर ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब अगर इनका टेम्परेचर सेम है, सी और बी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इनका टेम्परेचर भी सेम है, तो फिर ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में. ऑब्वियसली अगर ये टी है, ये टी है, ये टी है, तो ये टी है, तो अगर ये दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं, ये दोनों सेम टेम्परेचर पे, तो फिर ये दोनों भी सेम टेम्परेचर पे हैं. ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है. थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है? थर्मोडायनेमिक सिस्टम बेसिकली एन असेंबली ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग सर्टन वैल्यूज ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम. तो एक गैस है, एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इनका कोई प्रेशर होगा, कोई वॉल्यूम होगा, कोई टेम्परेचर होगा, तो ये बेसिकली पूरा सिस्टम एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम माना जाता है. नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स. आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर आर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स. मतलब हम फिजिक्स वाले खुद अपना थर्मोडायनेमिक्स का सिस्टम पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या होता है पीवीटी, जबकि आपको केमिस्ट्री की हेल्प से चीज ऑलरेडी मालूम होती है. इक्वेशन ऑफ स्टेट पीवी इक्वल टू आरटी, इक्वेशन ऑफ स्टेट है. और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज सेड टू बी टेकन प्लेस इफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स चेंज विद टाइम. तो अगर थर्मोडायनेमिक के वेरिएबल्स प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर टाइम के साथ क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं और ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है. ठीक. नेक्स्ट है एग्जांपल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. ये आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, एक आइसोबारिक प्रोसेस है जिसमें प्रेशर हमेशा कॉन्स्टेंट है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, एडियाबैटिक का मतलब कोई हीट एक्सचेंज नहीं है, ना हीट एंटर करेगी गैस में, ना हीट गैस से बाहर जाएगी. साइक्लिक प्रोसेस, जो जहां से स्टार्ट होता है उसी कंडीशन पर वापस आ जाता है. अगर जहां पर उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर था, तो अगर वो एक्सपेंशन करती है गैस और फिर कंप्रेस होके वहीं पर वापस आ जाती है, ताकि जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जो इनिशियल स्टेट में था वही फाइनल में हो जाए, हम बोलते हैं कि एक साइक्लिक प्रोसेस है. नेक्स्ट है इंटरनल एनर्जी. ये भी आप लोग उसमें पढ़ते आए होंगे केमिस्ट्री के अंदर, इंटरनल एनर्जी. इफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर, तो हम उसको क्या बोलते हैं, आइडियल या परफेक्ट गैस बोलते हैं. एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस एक्सर्ट्स म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वन अनदर. ये सबको मालूम है कि वैसे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, तो ऐसी गैस को क्या बोलते हैं, रियल गैस बोलते हैं. मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस पोजेसेस इंटर मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी, कि जब वो फोर्स लगाते हैं तो उनके बीच में एनर्जी भी होती है. इफ वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेज वर्क विल बी परफॉर्म बाय द गैस अगेंस्ट द इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एंड हेंस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गैस विल इंक्रीज. अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं तो गैस एक्सपैंड होती है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वर्क डन करते हैं एक्सपेंशन के अंदर और पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करते हैं. टू कंप्रेस अ गैस वर्क डन हैज टू बी डन ऑन द गैस. कंप्रेस करने में हमें वर्क डन करना पड़ेगा, एक्सपेंशन में गैस वर्क डन करती है, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी को क्या माना जाता है, डिक्रीज. इंटरनल एनर्जी ऑफ परफेक्ट गैस इज टोटली काइनेटिक. जो परफेक्ट गैसेस होती हैं तो उनके अंदर हम जो इंटरनल एनर्जी लेते हैं वो टोटली काइनेटिक लेते हैं.
वेयर इज दैट ऑफ रियल गैस इज पार्शली काइनेटिक एंड पार्शली पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल तो होती नहीं, जो आपकी जो परफेक्ट गैस है उसमें फोर्सेस को तो कंसिडर किया नहीं जाता, तो ओनली काइनेटिक ली जाती है, लेकिन एक्चुअल में पोटेंशियल भी होती है और काइनेटिक भी होती है। इस पूरे पैराग्राफ से एक एक और चीज बताता हूं मैं आपको कि जब हम इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे वो टोटली हम ज्यादातर काइनेटिक एनर्जी को लेके बात करते हैं, एंड काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं गैस का तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज मानी जाती है। तो इंटरनल एनर्जी जो है, बाकी आप केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हैं, पर हम यहाँ पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी को लेके बात करते हैं, विच इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक, ऐसा होता है, अगर ये गैस परफेक्ट गैस है तो फिर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तो होती नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। नॉर्मली क्या होता है, जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में फोर्स लगाते हैं अट्रैक्शन की, वो उनकी पोटेंशियल एनर्जी मानी जाती है, जिसके बारे में हमने स्टडी नहीं किया। जैसे प्लैनेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उनके बीच में एनर्जी भी होती है। ऐसी मॉलिक्यूल्स अगर फोर्स लगाएं तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि जहां जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वहां वहां एनर्जी भी एग्जिस्ट करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि वो अट्रैक्ट होना चाहते हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप एक्सपेंशन से उन्हें दूर कर रहे हैं, तो आपको वर्क डन करना पड़ रहा है ना, तो वर्क डन स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अल्टीमेटली मॉलिक्यूल आपस में फिर से अट्रैक्ट करेंगे, तो आप अगेंस्ट नेचर काम करेंगे, आपको वर्क डन करना पड़ता है, और वही एनर्जी का बेसिकली कॉन्सेप्ट है, जिसके बारे में हम ज्यादा डीप में जाते नहीं। हम यहां पर बस ये मानते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती, जो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ती है, दैट्स इट। तो हम सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को लेकर बात करते हैं। ये जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो पीवी डायग्राम को लेके, आपने शायद सुना भी होगा प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम करके। प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम जिसको पीवी डायग्राम बोलते हैं, वो इसको इंडिकेटर डायग्राम भी बोलते हैं। पीवी डायग्राम या इंडिकेटर डायग्राम वन एंड द सेम थिंग। इसमें ये बताया कि ये ग्राफ आपको ये बताता है इंडिकेटर डायग्राम का कि एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है। आप देख सकते हैं इसमें गैस का वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो इसका मतलब दिस इज अ केस ऑफ एक्सपेंशन। इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो दिस इज अ केस ऑफ कंप्रेशन। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो एक तो इंडिकेटर डायग्राम आपको ये बताते हैं कि एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है, और आपको पता भी लग रहा है इसमें एक्सपेंशन और कंप्रेशन। दूसरा एक और भी चीज बताते हैं, ये आपको वर्क डन की वैल्यू भी बताते हैं। शायद आपने सुना भी होगा कि एरिया अंडर द पीवी डायग्राम की अमाउंट ऑफ वर्क डन, ऐसा किया हुआ है। वैसे ऐसा कैसे प्रूव कर सकते हैं आप इस चीज को, या आपने ऐसा कभी सुना वर्क डन की वैल्यू पी डीवी की इंटीग्रेशन, ऐसा कुछ किया? ओके, किया हुआ है, ऐसा कैसे? ऐसा होता है, मैंने भी बताया था, मैं आप थोड़ा और डिटेल में बताता हूं। सपोज करो ये आपके पास V है और ये आपके पास P है, ठीक है। सपोज करो ये कोई कर्व है और इसमें एक एक्सपेंशन शो कर रहा हूं मैं, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ये भी ठीक है यहां तक। अब इमेजिन कर लो एक मिनट के लिए कि आप इसका एक बहुत ही छोटा पोर्शन कंसिडर करते हो, अ वेरी स्मॉल पोर्शन, एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लो। ये मैंने एक बहुत ही छोटा एलिमेंट कंसिडर किया, वेरी 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 स्मॉल, ये लो, सच दैट ये जो पोर्शन मैंने बहुत छोटा एलिमेंट लिया, इसका स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, डीवी से रिप्रेजेंट किया, ठीक है, स्मॉल चेंज इन, वेरी वेरी स्मॉल, इससे छोटा नहीं हो सकता। तो इसके अंदर ये जो कर्व है इसका जब स्मॉल एलिमेंट लिया जाता है तो ये टेढ़ा तो लिया नहीं जाएगा, ये तो पॉइंट है, बिल्कुल एक बहुत ही छोटा पॉइंट माना जाएगा। सच दैट अप्रोक्सीमेटली, देखो ये स्ट्रेट ले रहा हूं मैं, बिल्कुल स्ट्रेट, सच दैट इसके कॉरस्पॉन्डिंगली प्रेशर पी है, डीपी नहीं है, प्रेशर पी है, डीपी नहीं है, क्योंकि दिस एलिमेंट इज अ वेरी वेरी स्मॉल पॉइंट, ये बहुत ही छोटा पॉइंट है। और इसके अंदर अगर मैं ये कहूं कि इस जो छोटा सा पॉइंट है इसके कॉरस्पॉन्डिंगली ये जो इसके अंडर एरिया आ रहा है, इसे जरा ध्यान से देखना, ये एरिया देख रहे हो छोटा सा, ये एक रेक्टेंगल की तरह काम कर रहा है, सच दैट ये हाइट कितनी है इसमें पी और इसकी विड्थ कितनी है डीवी। तो स्मॉल, अगर मैं बोलूं कि एरिया कितना है, स्मॉल एरिया की वैल्यू इज इक्वल टू पी इंटू कितना, डीवी, स्मॉल एरिया आ गया।
और ये सबको मालूम है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम तो वर्क डन होता है, ये स्मॉल वर्क डन है। उसी तरीके से किसी ने कहा सर टोटल वर्क डन निकाल लो, तो मैंने कहा एक काम कर ऐसे छोटे 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 एलिमेंट्स बिल्कुल ऐसे लेने शुरू कर। उसने बोला कहां से कहां लेने शुरू करूं, मैंने बोला यहां से लेके यहां तक आप लेने शुरू करो, टोटल ऐड कर दो, स्मॉल एरिया विल गिव अमाउंट ऑफ स्मॉल वर्क डन, फिर वर्क डन वर्क डन वर्क डन स्मॉल 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 ऐड करके टोटल वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड। और मैथमेटिकली अगर करना हो तो स्मॉल एरिया इसके इक्वल है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं स्मॉल वर्क डन, टोटल वर्क डन को क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी। मैथमेटिकली भी साथ चल रहा है फंक्शन, तो एक तो एरिया चल रहा है, एरिया जो है स्मॉल पोर्शन का क्या होगा पी इंटू डीवी, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। टोटल वर्क डन के लिए ग्राफिकली अगर मैं बोलूं तो टोटल एरिया कंसिडर करना पड़ेगा यहां से यहां तक, टोटल एरिया। तो जो टोटल एरिया आएगा दैट विल गिव अमाउंट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन एक्सपेंशन, या फिर पी डीवी की इंटीग्रेशन मैथमेटिकल करोगे तो भी आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। तो आपको दो चीजें समझ में आती हैं कि ये पी डीवी, मैंने एक और तरीके से बताया कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी क्यों होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि पी डीवी स्मॉल वर्क डन देगा आपको, स्मॉल एरिया देगा, पर आपको तो टोटल एरिया निकालना है, तो आपको या तो ग्राफिकली इसे मिलाना पड़ेगा, ऐसी ग्राफ से निकाल दो, और अगर मैथमेटिकल करना है तो पी डीवी की इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो वर्क डन निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं पूरे थर्मोडायनेमिक्स में, दो ही तरीके हैं और कोई तीसरा तरीका नहीं है। पहला तरीका या तो आप ग्राफ से निकाल दो, अगर आपको ग्राफ सही सलामत गिवन है, स्ट्रेट लाइन गिवन है, फिर तो आप या रेक्टेंगल से निकाल सकते हो, फिर आपको इंटीग्रेशन की जरूरत कहाँ है। तो अगर आपको ग्राफ का एरिया सीधा पता लगता है तो बड़ी अच्छी बात है, आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, आप ग्राफ से टोटल एरिया निकाल दो पूरे पूरे के पूरे कर्व का, उसके अंडर जो भी एरिया होगा वो अमाउंट ऑफ वर्क डन देगा। या फिर अगर आप नहीं निकाल सकते, जैसे ये मुश्किल लग रहा है कि ये टेढ़ा सा ग्राफ है, तो फिर आपको मैथमेटिकल करना पड़ेगा, पी डी वी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम वॉल्यूम वी वन से लेके वी टू तक, क्योंकि वी वन से वॉल्यूम कितना हो गया वी टू, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की इंटीग्रेशन वी वन से वी टू, तो आपके पास नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन आएगा। क्या आपको दो मेथड याद रहेंगे? ये इन जनरल मेथड है, मतलब ऐसा याद नहीं करना, ये बेसिकली जैसे जैसे चैप्टर आगे चलेगा इसकी एप्लीकेशन आती जाएगी। बस अभी के लिए पता होना चाहिए कि एरिया अंडर द कर्व गिव्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। अब दूसरी चीज, ये इंपॉर्टेंस ऑफ पीवी डायग्राम, मैंने आपको बता दिया कि वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एरिया अंडर द पीवी डायग्राम। अब कि ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम का चक्कर क्या है? अगर तो हो रही है एक्सपेंशन, एक्सपेंशन तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, क्योंकि एक्सपेंशन में गैस एक्सपैंड करके पिस्टन को ऊपर लेके जा रही है, और अगर हो रही है कंप्रेशन तो फिर मेरे को जाके पिस्टन को दबाना पड़ेगा, तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ठीक। वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव की नेगेटिव? वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव की नेगेटिव? आपने बोला पॉजिटिव। और वर्क डन बाय द सिस्टम? नेगेटिव। ओके, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, उल्टा हो गया। ओके, फिर एक बार केमिस्ट्री रिवाइज कर लें, सलाह कर लें पहले अपने आपस में। वर्क डन बाय द सिस्टम क्या करते हो केमिस्ट्री में? नेगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम बोले नेगेटिव, ऐसे करते हैं, और वर्क डन ऑन द सिस्टम? ओके, फिर इस चीज का आंसर दें। ये आपके पास पी और वी, ठीक। मुझे सिर्फ ये बताएं कि अगर कोई एक्सपेंशन हो रही है, एक्सपेंशन के अंदर वॉल्यूम वी वन से कितना हो रहा है? वी टू हो रहा है, एंड वी टू ग्रेटर देन बढ़ रहे, ठीक। तो मुझे एक चीज बताएं कि डीवी ये छोटी लिमिट आएगी, बड़ी लिमिट आएगी, या अगर आप पी डेल्टा वी भी करते हैं एक मिनट के लिए, तो पी डेल्टा वी में फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम ही करेंगे ना, तो फाइनल वॉल्यूम बड़ा, इनिशियल छोटा है, तो ये एक्सपेंशन हो रही है, एक्सपेंशन के अंदर हम वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो वर्क डन की वैल्यू, जैसे आपने कहा अगर मैं पी इसको इंटीग्रेट ना करता हुआ पी डेल्टा वी भी लगा लूं एक मिनट के लिए, आपकी बात मान लूं, तो पी इंटू वी टू माइनस वी वन ही करूंगा ना, बड़े फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम करूंगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, फाइनल वॉल्यूम बड़ा है इनिशियल छोटा है, तो मुझे तो लगता है कि वर्क डन एक्सपेंशन में पॉजिटिव है, और वर्क डन एक्सपेंशन का मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम। आप मुझे बोला कि वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है? नेगेटिव, पर मैथमेटिकली ये क्या आ रहा है?
देखो मैथ्स है, मैंने नहीं कुछ कहा, पॉजिटिव। और उसी तरीके से अगर क्या हो रही है, कंप्रेशन। अब कंप्रेशन के अंदर क्या होगा, वॉल्यूम वी टू से क्या होगा, वी वन, तो फिर पी इन टू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अब फाइनल वॉल्यूम कम है, इनिशियल ज्यादा है, तो मेरे हिसाब से जो कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन के अंदर वर्क डन क्या आ रहा है, नेगेटिव, और कंप्रेशन में वर्क डन इज ऑन दी सिस्टम। नहीं तो नहीं दे दो, मुझे नहीं पता आप दुनिया में क्या करते हो, मैथ्स क्या करता है, ये समझ में आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत, इसमें तो कोई गलती नहीं है ना यार। देखो तुम्हारा फॉर्मूला यूज किया, मैंने कोई कोई नया फॉर्मूला यूज नहीं किया। तुम देख सकते हो कि वर्क डन एक्सपेंशन के अंदर यार फाइनल वॉल्यूम बड़ा है, इनिशियल छोटा है, तो नेगेटिव कैसे हो सकता है, वो तो पॉजिटिव होगा। फिजिक्स में साइन कन्वेंशन उल्टी होती है केमिस्ट्री से। अब आपको फिजिक्स के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा अलग चलना पड़ेगा। फिजिक्स के अंदर वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होगा और वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव होगा, और मैंने मैथमेटिकली प्रूव भी किया। तो अब केमिस्ट्री की कॉपी चेक ना करें, वो बिल्कुल ठीक करवा रहे हैं, तो उल्टा ही करवाते हैं हम, उल्टा ही चलते हैं, तो इसलिए वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक, उसका रीजन बता देता हूँ ये उल्टा कैसे है। हाँ, ठीक है, अब उल्टा सुन ले। ऐसा हुआ क्या, जो केमिस्ट्री वाले हैं ना, वो लोग अपनी कैलकुलेशंस, वो लोग अपना जो रेफरेंस है वो गैस मानते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में करना क्या है, गैस के ऊपर तो काम है, तो वो गैसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं, सिस्टम को रेफरेंस मानते हुए अपना काम करते हैं। हम लोग सराउंडिंग के हिसाब से काम करते हैं, सराउंडिंग का मतलब कि बाहर से खड़े होकर वर्क डन करते हैं, तो हमारे और उनके देखने के नजरिए में फर्क रहता है। तो वो लोग गैस के रिस्पेक्ट टू काम करते हैं, हम सराउंडिंग के रिस्पेक्ट टू काम करते हैं, और हम टोटल मैथमेटिकल रहते हैं। तो इस केस में हमारी साइन कन्वेंशन उल्टी चलती है। तो जब आप फिजिक्स की क्लास में आए तो आप प्लीज फिजिक्स की साइन कन्वेंशन, जब केमिस्ट्री में जाए तो फिजिक्स को भूल जाए, अपनी केमिस्ट्री की साइन कन्वेंशन। अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि मेरे को फायदा होने वाला है केमिस्ट्री में, कि थर्मो मेरा ओवरलैप हो जाएगा और मैं बच जाऊंगा एक जगह, तो ऐसा नहीं होगा। उनका अलग पढ़ाने का स्टाइल है और कुछ अलग मोटिव है उनका पढ़ाने का, हमारा कुछ और है। हम लोग वर्क डन, अपने वर्क डन निकालने के, कंप्रेशन के और एक्सपेंशन के। तो पॉइंट समझ में आया यहां तक, और मैथमेटिकली मैंने आपको बिल्कुल प्रूव कर दिया। देखो इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं है, क्योंकि हम अपना मैथ्स लगा रहे हैं और हम अपने हिसाब से, अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो फिर पॉजिटिव ही रहेगा, और अगर वॉल्यूम घटता है तो नेगेटिव रहेगा। तो फिर हमारी साइन कन्वेंशन क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज केमिस्ट्री का उल्टा, हाँ नेगेटिव, ऐसे याद आएगा, और वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, केमिस्ट्री का उल्टा, याद रखना। ठीक, अब एक ही जगह याद करोगे ना यार, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। क्या ये साइन कन्वेंशन क्लियर है? अब दूसरी चीज, आपको ना ऐसे तरीके तरीके के डायग्राम मिलते जाएंगे, ऐसे आपको कोई पता नहीं क्या है, ये कुछ नहीं है, इसको ज्यादा ध्यान नहीं देना। ये बेसिकली ये बताया गया है इस डायग्राम में, ये हर जगह मिलेंगे आपको बुक्स के अंदर भी, कि अगर पिस्टन पहले यहां पर था P1 V1, फाइनली पिस्टन कहां पे आने वाला है, P2 V2। अभी रास्ते में पिस्टन यहां पे आया था, जिसकी मतलब किसी भी इंस्टेंट पर प्रेशर P था और वॉल्यूम V था। अगले छोटे से इंस्टेंट पर, फॉर अ वेरी स्मॉल इंस्टेंट, अगर आपको याद हो मैंने इसमें भी बताया था, वेरी फॉर अ वेरी स्मॉल इंस्टेंट प्रेशर को क्या माना जाता है, कांस्टेंट। ये देखो बहुत छोटा पॉइंट है, प्रेशर को कांस्टेंट, लेकिन वॉल्यूम को कांस्टेंट नहीं माना जाता, वॉल्यूम में क्या माना जाता है, डीवी। तो फॉर अ वेरी स्मॉल इंस्टेंट प्रेशर को क्या रखा मैंने, सेम। अगर हम धीरे धीरे एक्सपेंशन कर रहे हैं तो दो इंटर जो कंसेक्टिव पॉइंट्स हैं उनमें प्रेशर को ज्यादा चेंज नहीं मानते, प्रेशर को क्या मानते हैं, एकदम सेम ही मानते हैं, लेकिन वॉल्यूम को चेंज मानते हैं बाय एन अमाउंट ऑफ डीवी। तो वॉल्यूम चेंज हो गया बाय डीवी, एज्यूमिंग प्रेशर टू बी कॉन्स्टेंट। तो ये डायग्राम को रीड करना आ रहा है, मतलब बार बार हम इसको देखेंगे नहीं, ये ना डायग्राम हर टॉपिक के साथ बना होगा, तो ये आपको वन टाइम रीड करना आना चाहिए, और इस पर कोई ज्यादा टेंशन नहीं है कि इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट है, और फॉर अ वेरी स्मॉल इंस्टेंट प्रेशर को कॉन्स्टेंट मानते हुए वॉल्यूम को हमने बढ़ा दिया और डिस्प्लेसमेंट पिस्टन की क्या कर दी, डीएक्स। ये मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था कि वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यहां पर कितनी लग रही है यहां से यहां, प्रेशर कितना है पी, डिस्प्लेसमेंट कितनी है डीएक्स। एरिया ऑफ पिस्टन अगर ए है
तो फोर्स कितनी लग रही है फॉर यहां से यहां तक, प्रेशर इनटू एरिया, इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएक्स, प्रेशर इनटू एरिया में एरिया और डीएक्स, एरिया ऑफ पिस्टन इनटू डीएक्स विल गिव स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम डीवी, तो ये डीवी हो गया, और पी डीवी इज अमाउंट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन अगर पिस्टन यहां से यहां तय। ये फॉर्मूला मैंने ग्राफिकली भी वहां पर एक्सप्लेन करके दिखाया आपको, ग्राफ से भी कर सकते हैं और यहां से भी कर सकते हैं। तो हमारा वॉल्यूम इनिशियली V1 से कहां पर जा रहा है, V2, तो हमारा टोटल वर्क डन आएगा V1 से V2। ये कोई आपसे लिखवा के नहीं देख रहा, एक इन जनरल कॉन्सेप्ट है बस, जिसको आपको ये रीड करना ना चाहिए कि हमने PDV क्यों लगाया। वैसे तो आपको पता ही है क्यों लगाया, बट फिर भी एक फिजिक्स वाले अपने तरीके से बताते जा रहे हैं अलग अलग तरीके से कि PDV चाहे ग्राफ से बना लो फंक्शन, चाहे मैथमेटिकल बना लो, बात एक ही है। ग्राफ से भी बना के दिखाया सेम, वो मैंने बना के दिखा दिया आपको। ग्राफ से मैंने क्या लिया कि मान लो आप हल जरा सा यहां से यहां गए, P1 V1 से P2 V2 गए, पर हम इसको, ये तो बहुत बड़ा दिखा दिया मैंने, दिस इज वेरी 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 स्मॉल, तो प्रेशर को ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट मानते हुए डीवी ले लेंगे, तो स्मॉल एरिया क्या आएगा, PDV। टोटल वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ PDV, यानी कि यहां से यहां का टोटल एरिया, एरिया अंडर PV डायग्राम। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? इसके अंदर नेक्स्ट, वर्क डन ड्यूरिंग अ साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस का अगर आपको वर्क डन निकालना है, साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन निकालना है, शायद आपने सुना भी होगा केमिस्ट्री में, एरिया इनसाइड अ साइकिल, ऐसे करते हो। तो अगर मान लो ए से एक्सपेंशन होके बी पे आते हैं, बी से कंप्रेशन होके वापस ए पे आते हैं, तो मतलब जाने का रास्ता ए एक्स बी है, वापस आने का बी एक्स बी वाई ए है। तो एक्सपेंशन हुई, कंप्रेशन हुई, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, ये शेडेड एरिया, ऐसा सुना हुआ है, एरिया इनसाइड अ साइकिल, ठीक। क्यों किया ऐसे, आप समझ सकते हो कि जब हमने टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है, तो साइक्लिक प्रोसेस में हम ए एक्स बी पे जा रहे हैं, तो मान लो यहां से यहां के जाने का वर्क डन W1 है, यहां से यहां आने का वर्क डन W2 है, तो टोटल वर्क डन साइकिल में क्या होगा, W1 प्लस W2। ये स्टेप क्लियर है। W1 का मतलब ये एरिया, कौन सा एरिया, ए एक्स बी, ये अंडर एरिया, मतलब जैसे अगर मैं ये ग्राफ ड्रॉ करूं यहां पे, ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है, तो सबसे पहले जाने का एक्सपेंशन का ग्राफ बनाता हूं ए एक्स बी का, बस ये एक्सपेंशन हो गई। एक्सपेंशन के अंदर एरिया टोटल क्या माना जाएगा, ये शेडेड एरिया जो मैं शेड कर रहा हूं यहां से यहां तक, ये पूरा वर्क डन है ना, अंडर एरिया का मतलब नीचे का एरिया, पूरा वर्क डन आ गया। और अगर मैं कंप्रेशन करता हूं बी से लेके ए तक कुछ इस तरीके से, तो कंप्रेशन का वर्क डन ये हो जाएगा, ये देख रहे हो ये ब्लू ब्लू कलर का, ये वाला नीचे वाला एरिया, अंडर का मतलब नीचे का एरिया, ठीक। अब देखने वाली बात ये है कि जब हम एक्सपेंशन कर रहे थे तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, एक्सपेंशन में वर्क इज डन बाय द सिस्टम, कंप्रेशन में वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, और वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है, नेगेटिव। तो टोटल एरिया ऐड नहीं होगा, ये जो वर्क डन बाय द सिस्टम है वो तो पॉजिटिव पूरे का पूरा एरिया लेंगे, जैसे पूरा एरिया 100 है नीचे की तरफ, ब्लैक कलर के नीचे, ब्लू कलर के नीचे 80 है मान लो कम एरिया है, तो 100 प्लस 80 वर्क डन नहीं माना जाएगा, 100 माइनस 80, यानी कि टोटल वर्क डन में इस पूरे वर्क डन में से इसको ऐड नहीं करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव, तो इसलिए नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन आपके पास सिर्फ एरिया इनसाइड अ साइकिल बच जाएगा। मुझे नहीं पता केमिस्ट्री में कैसे करते हैं, ऐसे करते होंगे एरिया से। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो ये सेकेंड कॉन्सेप्ट याद रहेगा आपसे, मैं फिर कह रहा हूं कोई लिखवा के नहीं देखेगा कि प्रूव करो एरिया इनसाइड अ साइकिल इज नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन, नहीं आएगा ये, कोई थ्योरी नहीं आएगी, जो आने वाली है मैं मार्क करवाऊंगा। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास एक साइक्लिक प्रोसेस आता है, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि एरिया इनसाइड अ साइकिल जो बनेगा नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन बनेगा। अब एक चीज और नोट करने वाली है, वो क्या कि सपोज करो आपके पास ये, मान लेते हैं ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है, सपोज करो ये एक
ये लो, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक, वन पॉइंट से स्टार्ट होके वन पे आ रहा है, तो एरिया क्या होगा इसके अंदर, एरिया इनसाइड अ साइकिल, कोई दिक्कत है इसमें, तो रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, तो वर्क डन आ जाएगा नेट, राइट। लेकिन अगर इसी पीवी डायग्राम में एक और साइकिल गिवन हो, उल्टा साइकिल, ये लो उल्टा साइकिल है, तो अब क्या होगा, वो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, एरिया इनसाइड अ साइकिल, कोई दिक्कत नहीं, सेम। इसमें जो वर्क डन आएगा वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा, और इसमें क्या आएगा, नेगेटिव। वो क्यों, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन नेगेटिव क्यों, क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव होता है, बिल्कुल सही। ऐसा क्यों होता है, केमिस्ट्री में उल्टा होता है। अच्छा ठीक है, नहीं केमिस्ट्री भूल जाओ, केमिस्ट्री केमिस्ट्री क्लास में, फिजिक्स में, फिजिक्स के लॉजिक लगाओ। एरिया, इसने कहा कि जब आप क्लॉकवाइज चलते हैं तो ये वाला एरिया, क्योंकि जब आप एक्सपेंशन कर रहे हैं तो एक्सपेंशन का वर्क डन फिजिक्स में क्या होता है, पॉजिटिव, याद रखना, एक्सपेंशन का पॉजिटिव, कंप्रेशन का नेगेटिव। अच्छा इन लाइनों का वर्क डन क्या होता है, जीरो, क्यों, क्योंकि क्योंकि बिल्कुल सही, वॉल्यूम की वैल्यू इसमें चेंज, पी डीवी में जब वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा तो वर्क डन कहां से आएगा, बिल्कुल सही। तो पहले वाले ग्राफ में जब यहां से यहां जा रहे हैं तो ये एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन का वर्क डन पूरे का पूरा नीचे का एरिया में से ये वाला एरिया क्या करना पड़ेगा, माइनस। अब एक्सपेंशन का वर्क डन पॉजिटिव, कंप्रेशन का नेगेटिव, तो ओवरऑल वर्क डन पॉजिटिव। लेकिन जब उल्टा कर्व चलता है तो ये वाला क्या है, कंप्रेशन, नेगेटिव, तो नेगेटिव का एरिया बड़ा है और एक्सपेंशन का एरिया छोटा है, इसलिए ओवरऑल वर्क डन नेगेटिव। तो ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा। तो इसमें अगर साइकिल क्लॉकवाइज है तो वर्क डन क्या लेंगे, नेट पॉजिटिव, शॉर्टकट याद करेंगे सीधा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या लेंगे, नेगेटिव। तो फिजिक्स में एक्सपेंशन का वर्क डन पॉजिटिव, कंप्रेशन का वर्क डन नेगेटिव, भूलना नहीं, एक्सपेंशन का वर्क डन पॉजिटिव, कंप्रेशन का वर्क डन नेगेटिव, याद रहेगा यहां तक, कोई डाउट इसमें। तो ये पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट सिर्फ यही बता रहा है कि एरिया इनसाइड अ साइकिल क्या होता है, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन है। हालांकि मैंने इसमें नोट लिखा हुआ है, इफ साइक्लिक पाथ इज क्लॉकवाइज, तो एक्सपेंशन कर्व कंप्रेशन कर्व के ऊपर लाई करते हैं, और एक्सपेंशन का वर्क डन पॉजिटिव है तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन पॉजिटिव है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन नेगेटिव है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे को पेपर में ये लिखवा के देखेंगे तो कुछ नहीं आएगा ऐसा, अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ थर्मोडायनामिक्स, अभी तो जस्ट बेसिक्स ही तैयार हो रहे हैं, आर कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, साइक्लिक, अभी एकदम स्टार्ट होगा तो आपको मजा आएगा कि हाँ ये सारी चीजें लगा के देखेंगे अभी। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। नेक्स्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, चलो डेफिनेशन तो आ गई फर्स्ट लॉ की। तो फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन तो हमने लास्ट लेक्चर में कर ही ली थी कि अगर हमने किसी भी गैस को डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट ऐड करते हैं तो उसका कुछ पार्ट वो यूज करती है इन इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर, टेम्परेचर नहीं बोलेंगे, इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी, और कुछ का अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो डी क्यू इज डी यू प्लस डी डब्ल्यू, क्या ये पॉइंट क्लियर है। तो आप हीट में चेंज लेके आएंगे तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, तो वर्क डन भी आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ करना पड़ेगा। तो डेफिनेशन लिखी हुई है, इफ एन अमाउंट ऑफ हीट डी क्यू इज एडेड टू द सिस्टम, पार्ट ऑफ इट मे इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी बाय एन अमाउंट ऑफ डी यू, वाइल रिमेनिंग पार्ट मे बी यूज एज एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सिस्टम, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट जो है इसमें साइन कन्वेंशन, ये तो हमने पढ़ी ली, वर्क डन बाय द सिस्टम फिजिक्स में पॉजिटिव, बाय द सिस्टम का मतलब गैस करेगी तो एक्सपेंशन, तो लिख सकते हैं एक्सपेंशन का वर्क डन इज पॉजिटिव, वर्क डन इन एक्सपेंशन इज पॉजिटिव, और वर्क डन ऑन द सिस्टम का मतलब जब मैं जाके पिस्टन को दबाऊंगा तो यानी कि कंप्रेस करूंगा तो कंप्रेशन का वर्क डन इज नेगेटिव, तो एक्सपेंशन का पॉजिटिव कंप्रेशन का नेगेटिव, कोई डाउट इसमें। हीट एडेड या गेन्ड बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, अगर आपने गैस को हीट दी है तो वो पॉजिटिव, और अगर गैस में से हीट निकल गई तो फिर वो नेगेटिव। ये तो मेरे ख्याल से सेम यूज करते हैं, हीट एंटर कर रहे हैं तो पॉजिटिव, एग्जिट हो रही है तो नेगेटिव। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी डी
du इज पॉजिटिव, अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ती है तो du इज पॉजिटिव, और अगर डिक्रीज होती है तो du इज नेगेटिव। ये भी शायद केमिस्ट्री वाला सेम है, सिर्फ पहली साइन कन्वेंशन ही वर्क डन उसका ही डिफरेंट है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले साइक्लिक प्रोसेस है। ये भी सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है क्योंकि न्यूमेरिकल की बेस बिल्डिंग में ये काम आएंगे। कभी भी आपको अगर साइक्लिक प्रोसेस गिवन हो, ये साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस की खास बात ये है कि जो भी इसकी इनिशियल कंडीशन होती है, फाइनल भी एग्जैक्टली जैसे जो भी इसका टेम्परेचर था, आपने गैस को एक्सपैंड किया फिर उतना ही कंप्रेस कर दिया तो टेम्परेचर फाइनली क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और जब साइक्लिक प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, नहीं हुआ, तो उसकी इंटरनल एनर्जी डीयू क्या मानी जाएगी, जीरो। देयर इज नो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो कभी भी साइक्लिक प्रोसेस आएगा क्योंकि जहां से टेम्परेचर स्टार्ट हुआ था गैस का, वहीं पर हमने उसको लाके खड़ा कर दिया, तो डीयू की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। फिर तो वर्क डन भी जीरो होगा ना? नहीं, क्यों? एरिया इनसाइड अ साइकिल। एक्सपेंशन का वर्क डन डिफरेंट होता है कंप्रेशन का। एरिया देख लो, इसका एरिया अलग है, इसका एरिया अलग है, और वैसे भी आपने अभी किया तो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर साइकिल का एरिया ही नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन है, तो dW जीरो नहीं होता इसमें, तो du क्या होगा इसमें, जीरो। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? ठीक है यहां तक? तो ये कोई पूछेगा नहीं आपसे, करके दिखाओ साइकिल प्रोसेस में क्या। आपने याद रखना है, कभी भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको साइक्लिक प्रोसेस में लगाना पड़ जाए तो सबसे पहला काम du को उठा के क्या कर देना है, जीरो। ऐसा क्यों? रीजन बता दिया, क्योंकि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट इन बॉइलिंग प्रोसेस। अब जब बॉइलिंग होती है, ये भी मतलब प्लीज, मतलब ये ना सोचना कि हमसे पेपर हम याद करके आएंगे इसे, प्लीज आप इसको मेरी तरफ से, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है इसको पढ़े भी मत। अगर आपको ये समझ में आता है डीयू जीरो करना है, वर्क डन क्या होते हैं, कब पॉजिटिव, तो ये आपके पेजेस आपके लिए बेकार है, कुछ नहीं है, क्योंकि जो असली चीज है अभी थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाली है। अब इसके बाद टोटल मैथ्स चलने वाला है और टोटल मैथमेटिकल थर्मोडायनेमिक्स है। बस समझो, कैलकुलस को याद कर लो। अब कैलकुलस की डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन फिर से आने वाली है, अब उसी में तो मजा है। उसमें गोल गोल है ही ना, सीधी बात करेगा वो, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक आंसर आ जाएगा। ठीक, तो उसमें मतलब ये अच्छा लगेगा आपको, मुझे ऐसा लगता है। तो बॉइलिंग प्रोसेस के अंदर अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं, बॉइलिंग समझते हो, पानी उबल रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है, और फिर क्या बन जाती है उसकी, स्टीम, और 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम बनती है। जो मेरे बात समझ में आती है कि अगर आप डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू करते हो बॉइलिंग प्रोसेस में, तो सबसे पहली चीज क्या, आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आप जब आप वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस को 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम बनाते हो, वाटर को जब आप स्टीम बनाते हो तो क्या आप हीट देते हो उसे ताकि वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाए? देते हो, क्यों नहीं देते? बिल्कुल देते। कितनी देते हो? क्यू इज इक्वल टू ML, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन देते हो। ये तो मानना पड़ेगा, अपने आप उबलता हुआ पानी स्टीम में कन्वर्ट नहीं होगा, पानी उबल जो है पानी ही रहेगा, लेकिन आप अगर उसको हीट देते जाओगे तो उसकी कन्वर्जन स्टीम में हो जाएगी। तो आप डी क्यू को ऐसे क्वेश्चन में क्या पुट करोगे, ML, वेयर एल इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब दूसरा क्वेश्चन, जब वो स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर गया, ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो गया, तो वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, स्टीम में कन्वर्ट हो गया, तो क्या उस वाटर की इंटरनल एनर्जी चेंज हुई? हुई। आप कहोगे सर कैसे हुई, टेम्परेचर तो चेंज ही नहीं हुआ। कहाँ चेंज हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस से, 100 डिग्री सेल्सियस ही तो है, पानी भी 100 पे था, स्टीम भी 100 पे, और मैंने क्या बताया था कि इंटरनल एनर्जी तो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ये बात हुई थी हमारी। तो इसका मतलब कायदे से अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो डीयू क्या होना चाहिए, जीरो। हर केस में डीयू जीरो रहेगा अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होता, एक्सेप्ट एक केस, जब स्टेट ऑफ मैटर चेंज होती है। जब स्टेट ऑफ मैटर चेंज होती है तो मॉलिक्यूल्स को दूर जाना पड़ता है। देखो ना, पानी है, पानी के मॉलिक्यूल्स पास हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स स्टीम के दूर हैं, तो उनकी जो जो इंटरटॉमिक फोर्सेस हैं उनमें आप फर्क लेके आ रहे हो। और हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर आप एक्सपेंशन करते हो, है ना, आप एक्सपेंशन करते हो तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है।
तो सिर्फ ये पहला केस है जिसमें टेम्परेचर भी चेंज नहीं हुआ लेकिन फिर भी डीयू जीरो नहीं हुआ। लेकिन आप किसी भी, जब मैं पिस्टन में गैस लूंगा और मैं कहूंगा टेम्परेचर सेम है, फिर मत कहना कि सर डीयू की वैल्यू इसमें जीरो नहीं होगी। हर केस में डीयू जीरो रहेगा जब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, एक्सेप्ट एक केस व्हेन स्टेट ऑफ मैटर चेंज है। क्योंकि गैस को जब हम एक्सपैंड या कंप्रेस करते हैं और टेम्परेचर को चेंज नहीं करते तो डीयू जीरो है, क्योंकि उसका स्टेट ऑफ मैटर तो सेम ही है, गैस तो गैस ही है। लेकिन इस केस में पानी स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है तो यहां पर डीयू एग्जिस्ट करेगा। डीयू मीन्स फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल, चेंज रहेगी पानी की अलग स्टीम की अलग। और ऐसा करने में वॉल्यूम तो बहुत एक्सपैंड हो जाएगा, स्टीम का वॉल्यूम बड़ा है और वाटर का छोटा है, तो वर्क डन भी करना पड़ेगा पीडीवी। तो पीडीवी में फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो कहने का मतलब कि क्वेश्चन आएगा फाइंड इंटरनल एनर्जी या चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो इस टर्म को यहीं रखेंगे, इस टर्म को यहां ले जाएंगे, तो ऐसा आंसर, ये कॉन्सेप्ट हम न्यूमेरिकल में लगाएंगे। तो ऐसा नहीं कि फॉर्मूला आपने याद करना है, बस ये याद रखना है कि वैसे तो किसी भी गैस का अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो फिर तो डीयू जीरो रखना है, लेकिन जब स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है तो फिर डीयू जीरो नहीं रखना। क्या ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा? आज न्यूमेरिकल में करके दिखाऊंगा आपको सारा, भी जितना भी हम कर रहे हैं काम ये सब न्यूमेरिकल के अंदर भी लग के दिखेगा। ठीक, अब बाय चांस अगर कोई न्यूमेरिकल आता है जिसमें आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस में बोलो क्या चीज कॉन्स्टेंट रहती है? टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है, बिल्कुल सही। तो फिर सबसे पहली चीज आपके माइंड में क्या आती है? डीयू इज जीरो, क्योंकि जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो डीयू जीरो। तो मेरे ख्याल से अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करें आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए तो डीयू क्या पुट करेंगे? जीरो। तो वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी? पीडीवी। ये याद नहीं करना, ये तो न्यूमेरिकल में जब आएगा तब की तब देखेंगे। तो ऐसा नहीं कि आपने थ्योरियां याद करनी है कि मैं हाथ रख के रट्टा मार लूं पूरा कि ऐसा ऐसा ऐसा, कुछ नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट है। तो डी उठा के जीरो याद रहेगा तो फिर ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद तो ये आपको पता ही है, एक्सपेंशन हो गई, एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ेगा, डीवी इज पॉजिटिव, डीवी पॉजिटिव है तो फिर डी क्यू इज पॉजिटिव। तो ये थ्योरी ये बता रही है कि अगर आप एक्सपेंशन करते हैं डीवी पॉजिटिव है तो आपको हीट देनी पड़ेगी क्योंकि डी क्यू क्या आ रहा है? पॉजिटिव। और अगर आप कंप्रेशन करते हो तो डीवी क्या आता है? नेगेटिव। डी क्यू क्या आएगा? नेगेटिव। इसका मतलब आपको आप सिस्टम से हीट रिजेक्ट कर रहे हो। तो ये स्टेप्स अगर नहीं भी पढ़ोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो न्यूमेरिकल में खुद ही अपना ब्रेन लगाना पड़ेगा कि वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा है, वॉल्यूम कंप्रेस हो रहा है। और हमारी फिजिक्स तो चलती भी मैथमेटिकल है ना, हम यहीं से फॉर्मूले में अपने मन में कैलकुलेट कर लेंगे, एक्सपेंशन में डीवी पॉजिटिव है तो डी क्यू पॉजिटिव है तो हीट हमने दे दी इसका मतलब सिस्टम को, और कंप्रेशन में डीवी नेगेटिव है डी क्यू नेगेटिव है तो हमने हीट बाहर निकाल ली सिस्टम में से। तो ये बहुत सिंपल चीज है, तो मतलब याद नहीं करना, बस ये पता होना चाहिए कि ऐसे होता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, अब जैसे एडियाबैटिक प्रोसेस आ जाता है, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर क्या चीज सिस्टम से अंदर या बाहर नहीं जाएगी? हीट। तो डी क्यू क्या रहेगा? जीरो, नो चेंज ऑफ हीट। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक किसी भी एडियाबैटिक प्रोसेस में जब लगेगा तो बस ये याद रखना डी क्यू उठा के जीरो कर देना है। आइसोथर्मल में क्या पुट करेंगे? जीरो। डी यू साइक्लिक प्रोसेस में क्या जीरो पुट करेंगे? डी यू। एडियाबैटिक में क्या पुट करेंगे? डी क्यू। डी क्यू जीरो, ये बेकार है, अगर नहीं भी पढ़ोगे तब भी चलेगा। फिर भी जब लिख दिया तो बता देता हूं क्या लिखा हो, घर जाके सोचोगे तो क्या लिख दिया ऐसा। ये पी डी वी इज माइनस डी यू, समझ में आता है? तो अब अगर मैं एक्सपेंशन करता हूं, एक्सपेंशन ये देखो, तो ये कुछ नहीं है, मैथमेटिकल एनालिसिस किया हुआ है जिसमें ये बताया हुआ है कि पी डी वी इज माइनस डी यू, ये रहा, या डी यू इज माइनस पी डी वी लिख लेता हूं, ये ज्यादा बेटर है। अगर एक्सपेंशन होगी, बोलो एक्सपेंशन के अंदर डीवी क्या होगा? पॉजिटिव, तो फिर डीयू क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है। जब एक्सपेंशन होगी तो डीवी पॉजिटिव तो डीयू नेगेटिव, डीयू नेगेटिव का मतलब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो गई, इसका मतलब टेम्परेचर कम हो गया। और वैसे भी यह सबको पता ही है,
एक्सपेंशन हो रही है, एक्सपेंशन से टेम्परेचर बढ़ता थोड़ी ना, एक्सपेंशन से टेम्परेचर कम होता है, तो नए भी बढ़ते हैं, मैंने कहा था आपको पता ही है ये तो। लेकिन फिर भी अगर कंप्रेशन हो रहा है, आप दबा रहे हो गैस को, तो डीवी इज नेगेटिव, तो डीयू विल बी पॉजिटिव, माइनस माइनस, यानी कि कंप्रेशन में टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। सिंपल। तो मतलब अगर आप नहीं भी पढ़ते और मैं आपसे वैसे ही पूछता कि बताओ आप हीट एक्सचेंज कर नहीं रहे, तो आपने गैस को एकदम दबा दिया तो टेम्परेचर क्या होगा गैस का, इंक्रीज, और अगर आप एक्सपैंड कर रहे हो तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज। ये तो आपको वैसे ही पता था, पर ये मैथमेटिकल एनालिसिस बिल्कुल सही चल रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अभी 2 मिनट में रिवाइज भी करवा दूंगा जो हमने अभी तक किया, फटाफट एक लाइन में लिख के आपको फटाफट क्लिक जो है रिवाइज हो जाएगा, तो एकदम फिर न्यूमेरिकल्स सही हो जाएंगे आपके। ओके, यहीं तक बेसिक्स है, अब ये चैप्टर स्टार्ट होगा अपने ट्रैक पे, है ना। तो मतलब अभी तक पिछले लेक्चर से मैं बेसिक बेसिक करे जा रहा हूँ, आर भी बेसिक्स का पार्ट था, वो उसमें कुछ था तो था नहीं, अभी तक भी मैं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं पूछेगा कोई आपसे, क्योंकि अब पूछेगा वो, अब पूछने वाले क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन है। लेकिन उससे पहले हमने अभी तक क्या किया, 4-5 पॉइंट्स किए, 1 मिनट में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हमने इंडिकेटर डायग्राम किया, पीवी डायग्राम हमें ये बताता है कि गैस एक्सपैंड हो रही है या कंप्रेस हो रही है। सेकेंड पॉइंट ये किया कि इंडिकेटर डायग्राम या पीवी डायग्राम के नीचे एरिया अगर हम कैलकुलेट कर दें तो हमारे पास नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन आएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये किया कि अगर गैस एक्सपैंड हो रही है तो वर्क डन आपका क्या माना जाएगा, पॉजिटिव, और अगर गैस क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है, तो एरिया जो भी होगा नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या माना जाएगा, नेगेटिव। ये क्लियर है। फिर हमने ये किया, अगर पीवी डायग्राम है और ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो एरिया होगा वो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन देगा, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव, और अगर ये क्लॉकवाइज होगा तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, ठीक। फिर हमने फर्स्ट लॉ किया, फर्स्ट लॉ में डी क्यू इज डी यू प्लस डी डब्ल्यू किया, और हमने हाँ मैथमेटिकली ये भी डिस्कस किया कि नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन कैन बी गिवन एज पी डीवी की इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 से V2। कि अगर ग्राफिकली बात नहीं बनती, मैथमेटिकली बात बनती है, तो वहां से ये बात बन जाएगी, पी डीवी की इंटीग्रेशन नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन देगा, ठीक है यहां तक। फिर हमने किया साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस के अंदर हमने ये किया डीयू को क्या कर देना है, जीरो, टेम्परेचर क्योंकि सेम हो जाएगा। फिर हमने किया आइसो थर्मल, आइसो थर्मल के अंदर भी डी क्यू इज डी यू प्लस डी डब्ल्यू में बोलो क्या करेंगे, डी यू जीरो। फिर हमने क्या किया एडियाबैटिक, एडियाबैटिक में डी क्यू इज डी यू प्लस डी डब्ल्यू में बोलो क्या करें, डी क्यू को जीरो, और कुछ नहीं याद करना, बाकी जो किया था वो तो चलो ठीक ही है, मेन मेन चीजें ये है इसकी, ठीक। और लास्ट, जब भी स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगा, जैसे कि मैंने बॉइलिंग का केस लिया था, और इसमें जब हम फर्स्ट लॉ लगाएंगे, हालांकि इसमें मैंने बताया था कि टेम्परेचर क्या रहता है, कॉन्स्टेंट, लेकिन फिर भी डी यू नॉन जीरो होगा, इसमें डी यू कंसिडर करना है, और डी क्यू को क्या पुट करेंगे, एम टाइम्स एल, ठीक है यहां तक। अभी तक बस मैंने आपको ये 5-6 पॉइंट्स ही बताए हैं, बस हो गया याद, ठीक। इसके बेस पे पहली डेरिवेशन जो आपके पेपर में आती है, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, सुना होगा आपने, ये केमिस्ट्री में डेरिवेशन करते भी होंगे शायद ये, चलो यहां पे फायदा होगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या फर्क है, आइसोथर्मल प्रोसेस में आप एक पिस्टन लें, या सॉरी एक सिलेंडर लें, उस पर पिस्टन फिटेड है, और इसके अंदर आप गैस को एक्सपैंड करें या कंप्रेस करें एट सेम टेम्परेचर, है ना। अगर हम आइसोथर्मल की बात करते हैं, तो आइसोथर्मल में एक गैस लें, ये पिस्टन के साथ ये गैस है, डी क्यू तो हम नॉन जीरो नहीं रखेंगे, नॉन जीरो रखेंगे मतलब ये एडियाबैटिक तो है नहीं कि हीट नहीं दे सकते, हीट तो देंगे, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर को क्या रखेंगे,
कांस्टेंट रखेंगे। समझ में आता है? मान ले एक मिनट के लिए कि मैं देखो अगर अगर मैं एक्सपैंड कर रहा हूं तो मुझे हीट देनी पड़ेगी, लेकिन अगर मैं कंप्रेस कर रहा हूं तो सिस्टम में से गैस में से हीट निकल जाएगी, है ना, जब दबाऊंगा तो हीट निकल जाएगी। कोई डाउट इसमें? ठीक है, अगर मैं गैस को कंप्रेस करता हूं तो हीट तो कहां जाएगी, बाहर ही निकलेगी हीट उसकी। और अगर मैं चाहता हूं कि एक्सपैंड हो तो अपने आप थोड़ा पिस्टन एक्सपैंड कर देगा, तो हीट लेगा तभी उसी का तो एक्सपेंशन करेगा। ये बात समझ में आती है? गुड आउट इसमें। ठीक, अब इसके अंदर अगर आप इनिशियल स्टेट देखें गैस की, P1 V1 थी, और फाइनली मेरे को कहां लेके जाना है, P2 V2 पे। रास्ते में इंटरमीडिएट स्टेट आई होंगी, जो किसी भी इंस्टेंट पर प्रेशर पी हो गया होगा, वॉल्यूम वी हो गया होगा, टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट है, तो छोटे से अगर हल्का सा चेंज इन वॉल्यूम डीवी है तो प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए वी प्लस डीवी, ये चीज हमने पहले डिस्कस की थी से। तो डायग्राम को समझना इजी हो गया। रादर मैं तो ये भी कहूंगा कि यहां पर थर्ड वेरिएबल टी बना लिया जाए, हर में टी 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 एंड टी कर लिया जाए, या सीधा एक ही जगह पर लिख लो टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, क्योंकि तीन वेरिएबल होते हैं ना, पी वी एंड टी, तो इसमें दो तो दिखा दिए, तीसरे की बात नहीं हुई, तो लिख दें हेयर टेम्परेचर इज कांस्टेंट, वो हर हालत में कांस्टेंट है। ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? अच्छा, इसके अंदर वर्क डन का फॉर्मूला इन जनरल, चाहे एडियाबेटिक हो चाहे आइसोथर्मल, दुनिया का कोई मर्जी प्रोसेस हो चाहे ये कुछ भी हो, स्टार्ट तो पीडीवी से ही होना है, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल फॉर्मूला है, क्योंकि ग्राफ तो इसका है नहीं मेरे पास, मैं तो मैथमेटिकली करूंगा। तो मैथमेटिकली जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसकी जो गैस की इक्वेशन है क्या लगती है, पीवी इक्वल टू एनआरटी में, या वन मोल के लिए पीवी इक्वल टू आरटी में, आर इज अ कांस्टेंट, टी इज अ कांस्टेंट, तो आइसोथर्मल की इक्वेशन क्या होगी, पीवी इज अ कांस्टेंट, राइट? तो आइसोथर्मल की इक्वेशन क्लियर, पी इंटू वी का प्रोडक्ट इज अ कांस्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट का पहला पॉइंट क्लियर है, पीडीवी की इंटीग्रेशन V1 से V2 क्लियर है। नेक्स्ट पी की वैल्यू पुट करने वाला हूं मैं, वर्क डन एक मोल के लिए निकालूंगा, वन मोल के लिए पीवी इज इक्वल टू 1 RT, पी की वैल्यू RT/V, इस पी को यहां पुट करें RT/V, ये स्टेप क्लियर है। कितने मोल्स का वर्क डन निकल रहा है, 1 मोल आइसोथर्मल का वर्क डन, RT कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, 1/x dx की इंटीग्रेशन log x, 1/dv की इंटीग्रेशन log v, जिसका बेस क्या माना जाता है, नेचुरल e, कहां से कहां तक, v1 से लेके v2 तक। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक क्लियर है? ठीक है, 1/dv इज log v, लिमिट पुट कर रहे हैं, एक बार v की जगह अपर लिमिट, एक बार v की जगह लोअर लिमिट, तो क्या आएगा, लॉग ऑफ v2 माइनस लॉग ऑफ v1, ये स्टेप क्लियर है? गुड आउट इसमें। मैथ्स में लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस लॉग ऑफ सेकेंड टर्म इज लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, ये स्टेप क्लियर है? तो वर्क डन की वैल्यू आ गई 1 मोल के लिए, पर क्योंकि हम न्यूमेरिकल में बेस ई नहीं लेते, क्योंकि मैथ्स में जो लॉग टेबल लिए जाते हैं या फिजिक्स में टू दी बेस 10 लिए जाते हैं, तो मैथ्स का रूल है ये याद करना पड़ेगा नंबर, कि अगर बेस ई से बेस 10 बनाना हो तो इस रिजल्ट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 से, याद करना पड़ेगा। तो ये बेस किस में बन जाता है, 10 में। तो आंसर आ गया वर्क डन फॉर 1 मोल आइसोथर्मल 2.303 RT, टी तो चेंज ही नहीं हो रहा, लॉग ऑफ फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम, मार्क करो, इंपॉर्टेंट, याद करना है। और ये एनसीईआरटी में आएगा ड्राइव, कंपटीशन में तो इसके अल्टीमेट क्वेश्चंस है ना, मतलब कुछ लेवल ही कुछ और है, मजेदार। अच्छा, जैसे लॉज ऑफ मोशन में मजा आ रहा था ना, ऐसा ऐसा कुछ इसमें बनेगा अभी अगले लेक्चर, मोमेंटम इसका कॉन्सेप्ट बेस है ना, याद करने वाला फंडा नहीं है इसमें, बस सीधा वही प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए कि गैस में एक्सपेंशन है, टेम्परेचर डाउन होगा अप होगा, ये सब वही बनेगा सारा कुछ। बट क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, एनसीईआरटी में तो पूछ ही लेगा बेचारा, वर्क डन पूछने दो। और अगर n मोल्स हैं तो इस रिजल्ट को n से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन कभी कभी आपको प्रेशर की फॉर्म में गिवन होता है तो
P1 into V is a constant equation isothermal की, तो P1 V1 is equal to P2 V2, तो यहां से V2 by V1, P1 by P2, तो आप यहां ऐसा भी पुट कर सकते हो इसकी जगह P1 by P2, initial pressure by final pressure. मेरे को नहीं लगता कि इसको याद करने का फायदा है, हम एक ही याद करेंगे, जो जरूरत होगी यहां से खुद बना लेंगे. ये आपका जो वर्क डन है 1 मोल का है. अगर 1 ग्राम का वर्क डन पूछा जाए, 1 मोल में कैपिटल एम मास है, तो 1 ग्राम के लिए इस पूरे रिजल्ट को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, कैपिटल एम से. ये भी याद नहीं करेंगे, 1 मोल का आता है तो 1 ग्राम का आप केमिस्ट्री लगा के निकाल ही लेंगे. हालांकि बुक्स में कैपिटल आर बाई एम को फिर से क्या पुट किया जाता है, स्मॉल आर, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने लिख तो दिया. मैं इस पोर्शन को रिकमेंड नहीं करता याद करने के लिए. 1 ग्राम आएगा तो हम एंड में कैपिटल एम से डिवाइड कर लेंगे. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो 1 मोल के लिए याद रखेंगे. अब जो आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, उसमें एक पॉइंट याद करने वाली एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखना आपने एक चीज. मान लो मैंने आपको कहा कि ये लो जी एक सिलेंडर है, ये गैस है, और आप ध्यान रखना आप इसे कंप्रेस करें और हीट को बाहर निकलने दें, पर याद रखें टेम्परेचर चेंज नहीं करना आपने. आप आए, आपने पिस्टन लिया, आपने फटाफट दबा दिया, मतलब क्विकली बहुत तेजी से दबा दिया. अब मैं कह रहा हूं भाई तेज मत कर. आपने कहा क्या फर्क पड़ता है, हीट निकल रही है चाहे स्लो निकले चाहे तेज निकले, आपको क्या फर्क पड़ता है, टेम्परेचर तो कॉन्स्टेंट है. नहीं रहेगा टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, अगर आप बहुत तेजी से दबा देंगे हीट निकलने में टाइम लेगी. ये थोड़ी ना कि आपने तेज दबाया और हीट एकदम निकल गई, हीट निकलने में टाइम लेगी. तो हो सकता है कि आपका टेम्परेचर फॉर एन इंस्टेंट इंक्रीज हो जाए. तो जब भी आइसोथर्मल प्रोसेस होता है ये रूल है, तो आपने पिस्टन को धीरे धीरे कंप्रेस करना है और धीरे धीरे ही एक्सपैंड करना है, क्योंकि अगर आपने तेजी दिखा दी तो फिर टेम्परेचर हो सकता है थोड़ा सा चेंज हो जाए. क्विकली नहीं होता आइसोथर्मल, ठीक है, याद रखना. कई बार ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि आप पिस्टन को तेज दबाएंगे या स्लो दबाएंगे आइसोथर्मल ने, तो आपने तेज नहीं दबाना, आपने क्विकली नहीं करना, आपने स्लोली करना है, ताकि हीट आराम आराम से निकले, टेम्परेचर हमेशा उतना ही रहे. राइट, क्या पॉइंट क्लियर है? अब बात करते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस की, और एडियाबेटिक प्रोसेस के बाद स्टॉप लेंगे, उसके बाद बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं जो हम डिस्कस करेंगे, खत्म है. एनसीईआरटी लेवल में कुछ नहीं है, 1-2 पेज रह गए, खत्म है. बट कॉम्पिटिशन लेवल में बहुत कुछ है, मतलब इतना है कि शायद 2 लेक्चर तक भी अगर बोलता रहूंगा ना तो ये बंद नहीं होगा. उसके बाद फिर आपकी ये जो आपको ऑब्जेक्टिव शीट्स मिली हुई हैं उसमें फर्स्ट लॉ नहीं है, उसमें सिर्फ स्पेसिफिक हीट तक है. इतनी शायद और शीट्स आपको मिल जाए जिसके अंदर आपको सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड लॉ की एप्लीकेशन हो, मतलब बड़ा है यार. आप इंटेंसिटी समझ सकते हैं, मैंने बहुत बार समझाया, नीट में 5-6 क्वेश्चन आने हैं और आपके जो मेन्स है उसमें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तक भी आ सकते हैं. इसमें से तो पक्का आएगा, बस समझो अगर ये छोड़ दिया तो 1 क्वेश्चन तो गया घर से ही, ये तो आएगा. तो अभी क्या है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है कि हीट लॉस नहीं होता है ना, तो जब आप कंप्रेस करते हैं या एक्सपैंड करते हैं तो हीट बाहर अंदर नहीं आती, तो नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग समझ में आता है. ओके, वॉल्स मस्ट बी इंसुलेटिंग, ऑब्वियसली दीवारें इंसुलेटिंग होनी चाहिए ताकि हीट एक्सचेंज ना हो सके. और ये प्रोसेस कैसा होना चाहिए, क्विकली. क्विकली क्यों? क्योंकि इसमें टेम्परेचर चेंज अलाउड है. आप क्विकली करोगे तभी कुछ टेम्परेचर में चेंज दिखेगा, धीरे धीरे करते रहोगे तो टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा, हीट अंदर बाहर नहीं जा रही तो वो बात नहीं बनेगी. तो ये प्रोसेसेस थोड़े क्विकली किए जाते हैं. अब इक्वेशन देखो, इस पूरे चैप्टर में सिर्फ 2-3 चीजें ही हैं. जो आधा चैप्टर था वो तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया था उस टाइम कि जो पॉइंट्स लिख के दिए थे, आधा फेज अब स्टार्ट हो रहा है. इसमें 4 चीजें हैं, एक इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, जो कि इक्वेशन क्या होती है, पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये पहला पॉइंट क्लियर है. दूसरा, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, चाहे एक्सपेंशन चाहे कंप्रेशन, तो वर्क डन आइसोथर्मल का 1 मोल का आंसर 2.303 RT log to the base 10 final volume by. ये 2 चीजें हो गई, बात हो गई, प्रूव हो गई. तीसरी, इक्वेशन
ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, क्योंकि अब हमने एडियाबैटिक करना है, उसकी इक्वेशन पी वी कॉन्स्टेंट नहीं होती, उसकी इक्वेशन होती है पी इंटू वी रेज टू पावर गामा इज अ कॉन्स्टेंट, इसमें गामा का रोल होता है, इसकी सिर्फ पी वी कॉन्स्टेंट है, इसमें पी वी रेज टू पावर गामा इज अ कॉन्स्टेंट इक्वेशन है। जैसे आप अगर प्रेशर वॉल्यूम पी वन वी वन से पी टू वी टू लेके जाते हो ना, तो इसमें पता है क्या लगाओगे, पी वन वी वन रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू पी टू वी टू रेज टू पावर गामा, साथ चलता है इसके। क्यों चलता है मैं प्रूव करके दिखाऊंगा अभी, क्या पॉइंट क्लियर है। और लास्ट है वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, तो जिसका फॉर्मूला हम प्रूव करेंगे वन मोल के लिए ये फॉर्मूला होता है। तो हमने ये प्रूव कर लिया, हमने ये प्रूव कर लिया, अब हम ये प्रूव करेंगे और ये प्रूव करेंगे, ये चैप्टर का क्लोजिंग हो जाएगा। समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या करना है, हमने चार चीजें, दो ही तो प्रोसेस है आपके इसमें एनसीईआरटी में, एक आइसोथर्मल एक एडियाबैटिक, लेकिन कॉम्पिटिशन वाले एक और प्रोसेस देते हैं पोलिट्रोपिक प्रोसेस, बहुत आता है मेंस में, तो इतना आता है ना पोलिट्रोपिक, उसमें नीट में भी आ सकता है, बड़ी बात नहीं है। पोलिट्रोपिक में ना आइसोथर्मल होता है ना एडियाबैटिक होता है, इसके अलावा जो भी कोई प्रोसेस, क्योंकि देखो ना अगर ये गामा हो जाता है, गामा स्टैंडर्ड मोनोटॉमिक डायटॉमिक का फिक्स होता है, पर अगर ये गामा नहीं आता रेज टू पावर माइनस थ्री आ जाता है, माइनस फोर माइनस फाइव कुछ भी, तो फिर वो ना एडियाबैटिक है ना फिर ये आइसोथर्मल है, वो पोलिट्रोपिक है, कुछ भी एक्सेप्ट आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक, लेकिन वो एनसीईआरटी में नहीं आता, उसकी थ्योरी भी बहुत कम बुक्स में गिवन है, बहुत रेयर है, मतलब आपको बहुत ज्यादा मिलेगी नहीं, पर मैंने शीट्स में काफी अलग अलग बुक्स में से इकट्ठा करके लिखा हुआ है, और मेंस तक या कोई भी एडवांस तक भी प्रॉब्लम आती है पोलिट्रोपिक में, आपको समझ में आएगी कैसे करनी है, और मैंने शॉर्टकट भी बना रखे हैं उसके, लंबा तरीका है पर शॉर्टकट आपको एक मिनट में आंसर दे देगा उसका। तो ये करें, तो इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक मैं इसलिए ये बता रहा हूं ताकि आपको ना चैप्टर का बिल्कुल सीक्वेंस पता होना चाहिए कि कहां पर हमने रुकना है, और फिर इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके अंदर इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक की पहली इक्वेशन है पी वन वी वन रेज टू पावर गामा इज पी टू वी टू रेज टू पावर गामा, पी वन वी वन रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू पी टू वी टू रेज टू पावर गामा, वेयर गामा क्या होता है सीपी बाय सीवी, याद हो गई इक्वेशन, न्यूमेरिकल आएंगे, पी वन देगा वी वन देगा पी टू देगा वी टू पूछ लेगा, आइसोथर्मल में तो ईजी है पी वन वी वन पी टू वी टू, एडियाबैटिक में ऊपर क्या चल रहा होगा गामा। अब गैस या तो मोनोटॉमिक होगी या गैस डायटॉमिक होगी, 99% तो गामा देता है, 1% गामा नहीं भी दे सकता, तो फिर आपको वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला, याद है ये वाला, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पुट करेंगे मोनोटॉमिक गैस के लिए 3, डायटॉमिक के लिए 5, गामा मास से निकाल लेंगे, तो देगा तो अच्छी बात है, देगा 99% तो देता ही है, इतना टाइम खराब नहीं कराएगा, बाय चांस ना हो तो फिर हम निकाल लेंगे। तो इसकी ना और मॉडिफिकेशन भी है, ये आपने याद नहीं करनी, जो याद करने वाला भी बताऊंगा, पर आपने सीखनी है कि कल को अगर जरूरत पड़े तो कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, पर वन मोल के लिए पी वी आर टी है, हम एक काम करते हैं कि यहां से वॉल्यूम को निकाल लेते हैं आर टी बाई पी, तो यहां पे अगर हम पुट करते हैं वॉल्यूम की जगह पी वन आर टी वन बाई पी वन, और यहां पर वी टू की जगह आर टी टू बाई पी टू, इसको एक्सपैंड करते हैं आर रेज टू पावर गामा टी वन रेज टू पावर गामा पी वन रेज टू पावर गामा आर रेज टू पावर गामा टी टू गामा पी टू गामा, यहां से ये टर्म क्या हो जाएगी कैंसल, और पी वन टी वन रेज टू पावर गामा ऐसी पी वन पी वन इज टू पावर गामा, जब ये नीचे जाएगा तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी तो गामा माइनस वन, ऐसे ये नीचे जाएगा प्रेशर तो गामा माइनस वन, तो इन जनरल सेकेंड इक्वेशन बन गई पी वन, इसको रेसिप्रोकल ले लेते हैं उल्टा, पी वन रेज टू पावर गामा माइनस वन बाई टी वन इज टू पावर गामा इज इक्वल टू पी टू रेज टू पावर गामा माइनस वन डिवाइडेड बाई टी टू रेज टू पावर गामा, या इन जनरल ये लिखा जाता है इस इक्वेशन के साथ P raise to power gamma minus 1 by T raise to power gamma is a constant. सच पूछो मैंने ये क्वेश्चन याद नहीं की हुई, ये कम यूज होती है, पर इतना है कि अगर मेरे को ये यूज करनी पड़ जाए तो मैं
इसे याद करके मैं अपने आप इसे इस तरीके से कन्वर्ट कर लूंगा। तो मैं, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज नहीं होती, तो मैं नहीं कहता कि इसको याद करो, बट हाँ अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर एडियाबेटिक क्वेश्चन आ जाए, वो ना दे वॉल्यूम, फिर क्या करोगे? फिर तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको कन्वर्जन आना चाहिए। ठीक, 1% चांस है 200 में से एक क्वेश्चन होगा शायद करना पड़ जाए, बस इतना की रेशियो है। जब करनी पड़ेगी करनी पड़ेगी। फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको टेम्परेचर और वॉल्यूम में क्वेश्चन गिवन हो, तो फिर मॉडिफिकेशन है, पी वी इज इक्वल टू आर टी। इस बार पी इज इक्वल टू आर टी बाई वी, यहां पे पुट करेंगे पी वन की जगह आर टी वन बाई वी वन, यहां पर आर टी टू बाई वी टू, आर से आर कैंसल, तो क्या बना, टी वन वी वन रेज टू पावर गामा माइनस वन, टी टू वी टू रेज टू पावर गामा माइनस वन। तो ये एक बढ़िया इक्वेशन है, टी वी रेज टू पावर गामा माइनस वन इज अ कॉन्स्टेंट, टी वी रेज टू पावर गामा माइनस वन इज अ कॉन्स्टेंट। ये याद करें कि ना करें, करें, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, या तो पीवी पे आते हैं प्रेशर वॉल्यूम पे, पीवी रेज टू पावर गामा इज अ कॉन्स्टेंट, ये तो याद हो गई। इसको याद करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हर घर में क्या लगा होता है, टीवी, तो टीवी रेज टू पावर गामा माइनस वन इज अ कॉन्स्टेंट, याद हो गया ठीक है यहां तक, अब भूलेगा भी नहीं है। तो इसलिए न्यूमेरिकल में दो ही क्वेश्चन याद करूंगा, एक पीवी रेज टू पावर गामा इज अ कॉन्स्टेंट, एक टीवी रेज टू पावर गामा माइनस वन इज अ कॉन्स्टेंट। पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये कैसे, मतलब कैसे हमने इसे प्रूव किया। ठीक, तो ये दो एक्सप्रेशंस के अंदर ये कैसे आया और ये कैसे आया, इसको हम मे बी शायद नेक्स्ट टाइम ही कर लेते हैं। अभी जितना हमने काम किया उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करके दिखाता हूँ आपको, आइसोथर्मल तक की, ताकि आप थोड़ा सा इसको अप्लाई करना सीख जाएं। शीट नंबर 161, 1 मिनट ओपन करना, शीट नंबर 161। देखो, अब हमने जितना भी काम किया, शुरू में हमने ग्राफ के ऊपर किया, वर्क डन का इन जनरल मेथड देखा, साइक्लिक में डी यू जीरो, आइसोथर्मल में डी यू जीरो, एडियाबैटिक में डी क्यू जीरो, और वर्क डन हमने कैलकुलेट किए। इसके ऊपर पहला क्वेश्चन जो आता है, बहुत क्वेश्चन आते हैं ग्राफ पे, इतने क्वेश्चन आते हैं ना, आपको पक्का थर्मोडायनेमिक्स में ग्राफ देने की पूरी मतलब पॉसिबिलिटी है कि आपको ग्राफिकल आएगा। पीवी डायग्राम गिवन है, 1 मोल ऑफ गैस गिवन है, साइक्लिक प्रोसेस गिवन है, ए बी सी डी। इस डायग्राम से निकालो नेट वर्क डन इन अ प्रोसेस। अब मुझे क्या याद है आज के लेक्चर से कि नेट वर्क डन क्या होगा, एरिया इनसाइड अ साइकिल, तो लेंथ इनटू ब्रेथ से एरिया निकाल दो। दूसरी चीज, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, नेट आंसर पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, तो निकाल लें। पर एक प्रॉब्लम है, ये एटमॉस्फेयर चल रहा है और ये लीटर चल रहा है, तो एटमॉस्फेयर इनटू लीटर यूनिट थोड़ी ना होते हैं, या तो जूल होते हैं या अर्ग्स होते हैं। तो आप प्रेशर एटमॉस्फेयर कितना है, 5 - 2 × 10^6 गिवन है सीजीएस में, डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करेंगे डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और वॉल्यूम जो है कितना, 4 - 1 = 3, 3, और लीटर है सेंटीमीटर क्यूब के लिए 10^3, तो आंसर किस में आएगा, अर्ग्स में। ध्यान से सीधा नहीं मल्टीप्लाई कर देना कि दिस इनटू दिस आंसर आ गया, यूनिट्स भी ध्यान में रखने हैं। कोई डाउट इसमें, ठीक, कैसे लगाएंगे समझ में आ रहा है? जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक साइक्लिक प्रोसेस गिवन है, ए बी सी और फिर ए, साइकिल है पूरा, तो वर्क डन निकालना है ए से बी तक। बोलो, साइक्लिक प्रोसेस में ए से बी का वर्क डन जीरो नहीं बोलोगे, क्यों? हाँ, ए से बी का बोला ना, पूरे साइकिल का थोड़ी ना बोला।
हाँ जीरो नहीं बोलेंगे, राइट। तो ए से बी का क्या निकलेगा, ए से बी का पूरा एरिया अंडर ए बी, नीचे का, ये नहीं है कि यहां तक लेना है, इसको भूल जाओ एक मिनट के लिए। जब आपको क्वेश्चन के अंदर बोल दिया कि ए बी, तो बस आपने ये लाइन को देखना है ए से लेके बी तक, तो आपने ये पूरे का पूरा एरिया कंसिडर करना है। तो ये वैल्यू कितने गिवन है, 4, ये कितने गिवन है, 2, ये 1 और ये 4। तो एरिया क्या बन गया, ट्रेपेजियम नहीं बन गया, तो हाफ इन टू दिस साइड प्लस दिस साइड, मतलब ये पूरी साइड और ये साइड। ये हाइट कितनी है, 4, ये हाइट कितनी है, 2, 4 + 2। यूनिट्स भी चेक कर लें, नॉर्मल है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सही है। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स 4 - 1 = 3, 4 - 1 के यूनिट्स भी चेक कर लें, लीटर है, और यहां पर क्या चल रहा है, SI, तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10^-3। तो आंसर अब किस में आएगा, जूल्स में। मेथड समझ में आ रहा है कि AB के अंडर एरिया कैसे निकलेगा। उसी तरीके से अगर BC का वर्क डन निकालना है, सिर्फ BC देखना प्लीज, इसके अंडर नीचे का एरिया, बोलो पॉजिटिव लिखेंगे आंसर की, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों, क्योंकि कंप्रेशन है, कंप्रेशन में वर्क डन नेगेटिव। तो क्या होगा, दिस इनटू दिस, ये हाइट कितनी है, 2, और ये कितना है, 3। तो 2 के यूनिट्स तो नॉर्मल है, और 4 - 1 के पीछे 10^-3, और आंसर किस में आएगा, नेगेटिव। कोई डाउट है इसमें। अगर वर्क डन CA का पूछा जाए, सिर्फ CA, CA में वॉल्यूम कितना है, 1, और वॉल्यूम में कोई चेंज, तो वॉल्यूम में चेंज नहीं है, PdV में डेल्टा V 0, तो फिर कोई वर्क डन नहीं, 0। अगर वो कहे कि पूरे साइकिल का वर्क डन निकालो, अब आपके पास दो तरीके हैं, इसका वर्क डन प्लस इसका वर्क डन प्लस इसका वर्क डन, अलग अलग निकाल लो, W1 W2 W3 ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। नहीं करना तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल में हाफ इंटू दिस हाइट इंटू दिस, तो आंसर आएगा। पॉजिटिव लिखेंगे कि नेगेटिव, क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव। तो मेथड समझ में आ रहा है कि साइकिल में क्या करना है और पार्ट ऑफ साइकिल में क्या करना है, पर ये जरूर देखना है कि अगर क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज तो नेगेटिव, एक्सपेंशन है तो पॉजिटिव, कंप्रेशन है तो नेगेटिव। ठीक, जैसे ये एक क्वेश्चन है जिसके अंदर फिर से PV डायग्राम गिवन है, इसके अंदर ए से बी, बी से सी, सी से ए पे जा रहे हैं, ठीक है यहां तक। इसके अंदर यू ऑफ ए, यू ऑफ ए मतलब इंटरनल एनर्जी का चेंज नहीं, ए पॉइंट पर इंटरनल एनर्जी गिवन है 0, बी पॉइंट की इंटरनल एनर्जी कितनी गिवन है, U 30। एनर्जी स्पेंट, हमने एनर्जी को दिया स्पेंट इन चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम B to C, बी से सी पर लेके जाने के लिए हमने 50 जूल की एनर्जी को दिया। तो ये 50 जूल क्या है, क्यू, एनर्जी स्पेंड का मतलब हम क्या देते हैं, हम हीट देते हैं, तो ये क्यू गिवन है या DQ गिवन है BC का, ये भी क्लियर है यहां तक। आपको क्या निकालना है, इंटरनल एनर्जी एट पॉइंट सी। तो देखो मेरे को B का डेटा गिवन है, कुछ B की टर्म गिवन है, मेरे को इसमें C निकालना है, तो क्यों ना ऐसा करें, हम ग्राफ B से C ले लें बस। तो फर्स्ट लॉ किसके ऊपर लगाया मैंने, B से C, कोई डाउट इसमें। B से C में हमें ऐसा करना चाहिए, ये ना या तो डेल्टा क्यू यूज करना चाहिए या ये DU यूज करना चाहिए, क्योंकि यहां पर चेंज वर्ड आ रहा है ना, तो वैसे तो इसे लिखा हुआ है BC, BC का मतलब B से लेके C तक, वो एक्चुअली चेंज है, तो मेरे हिसाब से ये DU 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 DQ DW कर लो, वो चेंज है ना, क्योंकि चेंज में फाइनल माइनस इनिशियल में पुट कर पाऊंगा, राइट। पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि या तो डेल्टा 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 कर लो हर जगह या DU 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 कर लो, एक ही बात है, राइट। तो DQ, B से लेके C तक हमने एनर्जी कितनी दी गैस को, 50, हमने एनर्जी स्पेंट की, गैस के अंदर एंटर कर गई एनर्जी हीट, तो पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, हीट मिली है ना गैस को, और अगर हीट मिली है तो फिर पॉजिटिव, तो DQ इज +50। चेंज इन एनर्जी इंटरनल फ्रॉम बी टू सी में फाइनल माइनस इनिशियल, UC माइनस
यू बी, और वर्क डन बी से सी क्या होगा, जीरो, क्योंकि वॉल्यूम में देर इज नो चेंज, जीरो। ये प्लस 50 है, यू सी निकालना है, यू बी कितना गिवन है ऊपर 30, यू सी कैन बी कैलकुलेटेड, राइट। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि पार्ट ऑफ ग्राफ के ऊपर आपने क्या लिया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और वहां से यूसी की वैल्यू निकाल ली। इसी क्वेश्चन में हीट रिलीज निकाल लो सी से ए। अब हीट रिलीज का मतलब डी क्यू निकालना है, सी से ए में डी क्यू निकालने, तो फर्स्ट लॉ किस पोर्शन पे लगेगा, अब सी ए, तो सी ए के ऊपर फर्स्ट लॉ लगा दिया, हीट क्यू क्यू सी से ए तक, इंटरनल एनर्जी में क्या करते हैं, ग्राफ सी से ए आ रहा है तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल, यूए माइनस यूसी, फाइनल इनिशियल लिखा हुआ है मैंने, और वर्क डन सी से ए तक। अब ग्राफ में अगर ध्यान से देखें तो हीट तो हमने निकालनी है क्यू, फाइनल यूए, यूए की वैल्यू क्वेश्चन में कितने गिवन है, जीरो, और यूसी हमने निकाल लिया कितना, 80, 080 वर्क डन, क्योंकि कंप्रेशन है कि एक्सपेंशन है, वॉल्यूम कम हो रहा है, कंप्रेशन है, तो वर्क डन यहां पर पॉजिटिव थोड़ी ना आएगा यहां पर, और क्या आएगा, सीए का वर्क डन एरिया इन अ ट्रेपेजियम पूरे का पूरा, सी से ले ए तक पूरे का पूरा वर्क डन, दैट इज हाफ इनटू 20 प्लस 40, दिस प्लस दिस इनटू दिस साइड, ये कितना है 3 - 1, अब क्योंकि ये मीटर क्यूब है, यूनिट्स पास्कल है, बिल्कुल एसआई है, तो कोई कन्वर्जन नहीं चाहिए, तो सॉल्व करके क्यू ऑफ सी ए कैन बी कैलकुलेटेड। माइनस का मतलब है कि हीट रिजेक्ट हो रही है गैस में से, वैसे भी कंप्रेशन है तो हीट रिजेक्ट ही आएगी, पॉजिटिव कैसे आएगी। रूल समझ में आ रहा है कि कैसे लगाना है इसे, कोई डाउट इसमें, तो इसके अंदर मतलब प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि कैसे फर्स्ट लॉ धीरे धीरे, मतलब आपको ना घर जाके आराम से, बेटर तरीका पता है क्या है, ये जो वैल्यूज गिवन होती है ना, तो आपने इन वैल्यूज को ग्राफ के ऊपर ही लिख लिया करो, यू ए यू बी, फिर आपको पता लग जाएगा कि किसका यू गिवन है किसका यू नहीं गिवन है ना, वो इजी हो जाएगा, ग्राफ के ऊपर वैल्यूज लिख ली जाएंगी तो थोड़ा इजी हो जाएगा। मैंने नहीं लिखी, बट शायद अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो वैल्यूज साथ साथ लिखता जाऊंगा, ताकि फर्स्ट लॉ में सारी चीजें मेरे को क्लियर दिख जाए। जैसे ये एक ग्राफ है, इस ग्राफ में आपको प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट्स बिल्कुल सही गिवन है, थर्मोडायनेमिक स्टेट इज चेंज फ्रॉम ए टू सी अलोंग पाथ ए बी सी एंड ए सी, वो कह रहे हैं ए से हम सी पे जा रहे हैं, पर जाने के दो रास्ते हैं, पहला रास्ता ए से सी डायरेक्ट है, दूसरा रास्ता ए से लेके बी से लेके सी तक है, राइट। आगे along which path greater amount of heat is supplied, तो बताओ A से लेके C तक अगर मैं इस रास्ते से जाऊं या इससे जाऊं तो heat supplied किस में ज्यादा है, A B C में ज्यादा है, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मैं A से लेके C तक first law एक मिनट apply करता हूं, ठीक है कर दिया, ये चीज constant है, क्यों constant है, जब आप ए से सी पे जा रहे हो आप जिस मर्जी रास्ते से जाओ, ये एक एंट्रोपी स्टेट क्या करते हो, स्टेट फंक्शन करते हो, एंट्रोपी पढ़ते हो केमिस्ट्री में ना, इंटरनल एनर्जी भी स्टेट फंक्शन है, ये रास्ते पे डिपेंड नहीं करती, इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करती है, तो इस यानी कि डी यू तो चाहे जिस मर्जी रास्ते से जाओ डी यू में तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो डी यू तो सेम रहेगा। अब जिसका वर्क डन बड़ा होगा, किसका वर्क डन बड़ा होगा, जिसका एरिया बड़ा होगा उसकी हीट भी फिर ज्यादा होगी, और साफ पता लग रहा है ए बी सी में एरिया क्या होगा, ये पूरे का पूरा एरिया, और ए सी में एरिया क्या होगा, सिर्फ नीचे वाला एरिया, तो बोलो किसका एरिया बड़ा, ए बी सी का एरिया बड़ा, तो ए बी सी के रास्ते से वर्क डन बड़ा होगा, क्या पॉइंट क्लियर है, इसीलिए हीट भी ए बी सी की बड़ी होगी। बी पार्ट है, इफ इंटरनल एनर्जी ऑफ स्टेट ए इज 5 जूल, आप लिख लो ग्राफ पे यू ए, यू ऑफ ए इज 5 जूल, ग्राफ पे लिख लो यू ऑफ ए इज 5 जूल, और भी लिख लो, एंड 100 जूल ऑफ हीट इज सप्लाई टू चेंज द स्टेट थ्रू ए सी, ए सी पे लिख लो क्यू ऑफ ए सी,
इस पूरी लाइन के ऊपर लिख लो, क्यू ऑफ एसी इज 100 जूल, पॉजिटिव कि नेगेटिव? क्यों पॉजिटिव? भैया एक्सपेंशन है तो हीट गैस को मिली होगी तो उसको तो फायदा हुआ है, तो डी क्यू पॉजिटिव, राइट? तो आपको क्या निकालना है इसमें, यू ऑफ सी निकालना है। तो बताओ फर्स्ट लॉ कहां से कहां लगाए, ए से सी, तो हीट ए सी, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, वर्क डन ए सी। क्यू ए सी में हीट हमने दी है तो 100, यू सी माइनस यू ए कितना गिवन है 5, बोलो वर्क डन पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल लोगे, ये वाला ठीक, नीचे वाला पूरा नहीं सिर्फ ये वाला, तो ये साइड कितनी है 10, ये साइड कितनी है 40, तो हाफ इंटू 10 और 40, और डिस्टेंस इनके बीच में कितना है 3 मीटर क्यूब, तो इंटू 3 इंटू, ये करने की जरूरत नहीं है शायद, मीटर क्यूब है तो, एक मिनट, इसको शायद जरूरत नहीं पड़ेगी 10 की पावर -3 की, इसको एक काट दो, 10 की पावर -3 चाहिए नहीं है इसमें, क्योंकि मीटर क्यूब चल रहा है ना, तो सब कुछ ठीक चल रहा है। तो यू ऑफ सी कैन बी कैलकुलेटेड, जो भी आएगा। क्या आपको ये पॉइंट और एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं? मुश्किल नहीं है, नहीं वो तो ग्रेविटी के अंडर होता है, थर्मोडायनेमिक्स में नहीं होता, थर्मो में होता है, थर्मो में पाथ पे डिपेंड करता है, पाथ जो फॉलो करोगे एरिया कम ज्यादा हो जाएगा, वर्क डन कम ज्यादा हो जाएगा, नहीं होता, अंडर ग्रेविटी ओनली, कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं लगेगा इसमें। ओके एक ये क्वेश्चन करते हैं आज के एग्जाम्पल में से, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको खत्म करते हैं। 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 373 केल्विन इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम, स्टीम में कन्वर्ट कर दिया एट सेम टेम्परेचर, चलो बताने की जरूरत नहीं थी, पानी और स्टीम सेम टेम्परेचर पे कन्वर्जन है। वॉल्यूम ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम गिवन है, बिकम्स 1671 स्टीम, तो पानी स्टीम में कन्वर्ट हो गया, फैल गई स्टीम। फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, एल गिवन है, एटमोस्फेरिक प्रेशर, ये वही क्वेश्चन है बॉइलिंग वाला। नॉर्मली जब टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो हम ना डी यू को जीरो लेते हैं, पर बॉइलिंग के केस में मैंने क्या कहा था, डी यू जीरो नहीं लेते। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर पता है, वॉल्यूम ऑफ स्टीम पता है, दोनों को माइनस करके डीवी निकाल, ये डीयू नहीं है, डीवी कर लो इसे, डीवी है, माइनस करके डीवी आ गया, डीवी की वैल्यू आ गई, वर्क डन क्या होगा, पी डीवी, प्रेशर आपको क्वेश्चन में गिवन है 1 × 10^5, और डीवी आपको पता है, तो जूल्स में क्या आ गया, वर्क डन आ गया। मास की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 ग्राम, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 540, तो कितनी हीट डी क्यू रिक्वायर्ड है स्टेट ऑफ मैटर चेंज करने के लिए, ml, तो ये आपके पास कैलरी में आएगा, इसको जूल में कन्वर्ट कर लिया 4.2, क्योंकि ये भी जूल चल रहा है, ये भी जूल, डी क्यू। फर्स्ट लॉ अप्लाई करें, डी क्यू इज डी यू प्लस डी डब्ल्यू, डी यू निकालना है, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, तो यहां से डी यू की वैल्यू हमने निकाल ली, डी डब्ल्यू हमने निकाल लिया, माइनस करके डी यू कैन बी कैलकुलेटेड, कोई डाउट इसमें? बहुत है, ठीक है, बहुत है आज के लिए, क्या एक